इस बीच चलिए इस बार एक बार सेंटिमेंट भी देख लेते हैं। अब जो सेंटिमेंट है ना वो डेफिनेटली कमज़ोर है, इंडेक्स में नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट में। तो करीब 600 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़त के साथ है, लेकिन नुकसान वाले स्टॉक्स की संख्या 925 के आसपास देखने को मिली है। एंड इफ़ यू टेक अ लुक एट नंबर्स पर जो रिएक्शन देखने को मिला है मार्केट ने, देखिए वो भी सीमित दायरे में दिया है। तो हमने देखा कि ICICI बैंक सुबह ओपन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ हद तक जो पीक था वहाँ से अपनी बढ़त को गवा दिया। सिमिलरली हमने BHEL पे देखा रिजल्ट्स के दौरान ये वॉलेटाइल था, हालांकि देर इज़ अ स्लिपेज ऑन द टॉप लाइन और साथ ही जो ऑर्डर बुक के एस्टिमेट्स हैं उसमें भी स्लिपेज है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि BHEL में भी जो स्ट्रेंथ देखने को मिली है एटलीस्ट अभी के लिए एक जो नुकसान में से प्रॉफिट में लौटी है कंपनी, मार्केट उस पर फोकस कर रहा है लेकिन सीमित दायरे में 2-3% की का मूवमेंट यहाँ पर है। भारत फोर्ज को आप देखिए जिस तरह के नंबर्स और उसका जो इम्पैक्ट है तो वो नुकसान में तो है लेकिन करीब 1.25% के आसपास, क्योंकि जो इन सबसे बड़ा जो इवेंट है या फिर एक ओवर राइडिंग इवेंट जो है वो इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स है। बट नेवरदलेस ICICI बैंक पर अनुज आज सुबह तो अच्छी ओपनिंग हुई थी, आपने ट्रेड क्या किया यहाँ पर? काफ़ी अच्छी ओपनिंग देखने को मिली थी मिहिर। इनफैक्ट चांसेस ये थे कि अगर 284-285 के ऊपर स्टॉक टिकता है अगर शुरू के 1-1.5 घंटे में तो फिर अपसाइड और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है तकरीबन 292 तक। लेकिन जैसा हमने देखा कि ऊपर के लेवल से लगातार सेलिंग का ही दबाव रहा है, पैटर्न भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर आज के दिन में हम 285 के नीचे की क्लोज, जो कि मेरे पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल, अगर वो मिलती है तो मेरे ख्याल से जो एक काउंटर ट्रेंड रैली हुई थी, जो एक बाउंस देखने को मिला था, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है और डाउनसाइड में फिर से एक बार तकरीबन 270-272 की रेंज तक देखने को मिल सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होंगे मिहिर, और अपसाइड में जब भी ये स्टॉक 285-290 के ऊपर के ब्रेकआउट देता है तो फिर से एक ट्रेंडिंग मूव चालू होगा जो आगे जाने तक तकरीबन 320-322 तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। चार्टिकली कोई बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पर, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों और भी बॉटम फॉर्मेशन करके ये स्टॉक चल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के जरिए नजरिए से मैं जरूर से लेने की सलाह दूंगा किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए। जो लंबी अवधि के ट्रेडर या निवेशक हैं उनके लिए जरूरी है कि वो 260 रुपए के लेवल पर नजर रखें, किसी भी वीकनेस में एक्यूमुलेट करें। मोमेंटम के लिए 290 के ब्रेकआउट का वेट करें, उस ब्रेकआउट के बाद तकरीबन 320-325 के टारगेट। दो लेवल आपको बताए हैं, एक तो 260 और एक 290। यहाँ पे आप अगर आप ट्रेड रखना चाहें तो इस हिसाब से बनाएं, 260 एक सपोर्ट है, 290 एक रेजिस्टेंस है। अनुज अभी अभी एक खबर ये भी आई है कि ज्योति स्ट्रक्चर के कुछ एक असेट्स को SBI कैपिटल बेच सकता है, जो प्रोसेस पूरी चल रही है। ज्योति स्ट्रक्चर का शेयर आप देखेंगे 13% एकाएक ऊपर आ गया है, बट टेक्निकली आप देखेंगे ये शेयर अभी और कितना ऊपर जा सकता है? डीपी ज्योति स्ट्रक्चर में अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, जो पूरी रेंज बन के आती है वो तकरीबन 10 से लेकर 15 रुपए की, हालांकि अपने आप में ये 50% तक की रेंज हो जाती है, लेकिन अगर लंबे अवधि के चार्ट्स पर देखें तो एक छोटी रेंज है जो तकरीबन 10 से 15 के बीच में है। तो अगर मोमेंटम प्ले करना है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 14 के आसपास का, 14-15 की रेंज में बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंसेज मिलेंगे। अभी भी इस लेवल को क्रॉस करना मंथली चार्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी वेट करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा न्यूज़ बेसिस पर एक मूव देखने को मिल चुका है, अगर पुरानी लोअर लेवल की पोजिशन है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, नए निवेश की मैं अभी सलाह नहीं दूंगा। जी चलिए इस बीच अंचल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि सिप्ला और ल्यूपिन के नंबर्स भी इस बीच आने वाले हैं। अंचल क्या उम्मीद की जाए इससे? शुक्रिया मीर, देखिए दोनों ही रिवर्स कहते हैं, एक सिप्ला एक तरफ अच्छे सेट खराब सेट ऑफ नंबर्स देता हुआ दिखेगा, लेकिन वही ल्यूपिन के लिए Q2 शानदार होता हुआ दिखेगा। सिप्ला से शुरुआत करते हैं, कंपनी की आय में महज 12% की बढ़त का अनुमान है। एक दो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के रेवेन्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इनवैगन की जो बिक्री आई है वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव रही है, कंपनी के ओवरऑल सेल्स को इंप्रूव करती हुई दिखेगी। घरेलू कारोबार जो इनका फॉर्मुलेशन कारोबार है वहाँ से भी करीब 14% की ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन जो प्रेशर बन रहा है वो बन रहा है एक्सपोर्ट कारोबार से, करीब 4% डिप होते हुए दिखेंगे कंपनी के एक्सपोर्ट कारोबार और ओवरऑल रेवेन्यूज पर प्रेशर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ जो इनके सबसे बड़ा मार्जिन प्रोडक्ट है जीन एक्जिम का जेनरिक प्रोडक्ट जो ये बनाती हैं
वहां पे सेल्स गिरी है और वो कारण है जिसकी वजह से इनके एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों ही हिट होते हुए दिखेंगे। एबिटा में करीब 13% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, 12.5-13% एबिटा गिरता हुआ दिखेगा। वहीं एबिटा मार्जिन 22.9% से घट के 18.5% तक रह सकते हैं, तो एक शार्प फॉल एबिटा मार्जिन पर आ सकती है। और रही बात मुनाफे की, तो बॉटम लाइन पर भी प्रेशर रहेगा, लेकिन 7% तक की गिरावट बॉटम लाइन में आ सकती है। कारण ये कि एबिटा के मुकाबले बॉटम लाइन इसलिए ज़्यादा हिट नहीं हो रही क्योंकि इस बार टैक्स पे आउट रिलेटिवली काफ़ी कम होगा। तो ओवरऑल नेट रेट आप देखें तो जो निक्सम के सेल्स गिरी हैं उसका पूरा इंपैक्ट इस बार Q2 में आता हुआ दिखेगा और देखना होगा गोइंग अहेड मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है। दूसरी ओर ल्यूपिन की जहां तक बात की जाए, शानदार क्वार्टर रह सकता है कंपनी के लिए, काफ़ी दिक्कतों से बाहर आती हुई दिखी। एक तरफ पिछले साल इसी क्वार्टर में येन डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आया था, सेल्स हिट की थी जापान में उसका इंपैक्ट आया था, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स में सेल्स हिट हुई थी। लेकिन इस बार ही कंपनी की आय में करीब 35% तक की बढ़त देखने को मिलेगी, वहीं एबिटा में भी करीब 71% की तेज़ी संभव है। देखिए एक तरफ कंपनी को फायदा हो रहा है, दो जेनरिक प्रोडक्ट्स जो उसने US में लॉन्च किए थे उनकी सेल्स रोबस्ट रही है, वो सपोर्ट करेंगी कंपनी के रेवेन्यूज को और एबिटा को। वहीं दूसरी ओर जो गेविस का इन्होंने अधिग्रहण किया था उसके नंबर्स भी इस बार इंक्लूड होकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो 5-10% का इंक्रीमेंटल जंप है वो गेविस की वजह से भी आ रहा है। साथ ही साथ जापान में जिस तरह से जापानीज कारोबार है वहाँ से करीबन आय 30% बढ़ती हुई दिख रही है, और क्योंकि येन अप्रिशिएट हुआ है उसका सीधा फायदा कंपनी को आता हुआ दिखेगा। और बॉटम लाइन की जहाँ तक बात रही वहाँ पे 71% तक की जंप का अनुमान लगाया जा रहा है। ओवरऑल अन्य आय कंपनी की बढ़ सकती है, लेकिन हाँ दूसरी ओर टैक्स पे आउट भी काफ़ी हैवी रह सकता है इस क्वार्टर में, तो उसका डेंट ज़रूर प्रॉफिट पर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स का प्रीव्यू आपके सामने, जिसमें ल्यूपिन अच्छे सेट ऑफ नंबर्स दे सकता है, लेकिन शायद सिप्ला में अभी भी दबाव आपको ज़्यादा दिखेगा। इस बीच आप नीचे अपने बैंड पे देख पा रहे होंगे टायर स्टॉक्स के अंदर एक एक अच्छा मोमेंटम आया है, चाहे आप सीएट देखें, जेके टायर देखें या फिर MRF अपोलो, सभी ऑलमोस्ट इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की दो बड़ी कंपनीज के नंबर अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी आ रही है, तो ये ऑटो एंसिलरी की तरह हिस्सा करते हैं जिनको इनका बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब इनकी रेटिंग अपने आप में भी होती है आशु, और देखा हमने कि सीएट को 2-3 महीने के अंदर 400-400 रुपये बढ़ते हुए, MRF को बढ़ते हुए, अपोलो टायर्स हालांकि उतना तेज नहीं रहा। ये टायर कंपनीज को आप कैसे रेट कर रहे हैं, वैल्यूएशन पे थोड़े आपको महंगे तो नहीं लग रहे? देखिए सबको मैं एक बास्केट में नहीं डालूंगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी MRF एंड सीएट डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट जो बाकी अपोलो टायर उस पर सेंटिमेंटल इफेक्ट ज़्यादा आता है और फंडामेंटल कब है। आई थिंक अपोलो के रिजल्ट्स भी आने हैं, एक्सपेक्टेड हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन शायद आएंगे, सो एवरीथिंग इज़ नॉट सेम फॉर, बट जो लीडर्स हैं डेफिनेटली MRF एंड सीएट ओवरऑल उनके लिए पॉजिटिव है और वी कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग पोजिशंस। एंड रिकमेंडेशन यही है कि अभी हमने सीएट में देखा था एक बड़ी तेजी के बाद एक डिप भी आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और दोबारा से अपू वो देखने को मिला है। सो आई थिंक सीएट जैसी कंपनी ऐसा है कि अगर आपको कहीं पे भी डिप मिलता है तो उस डिप में ज़रूर बाय करना चाहिए, ये भी धीरे धीरे एक अच्छे प्राइस की तरफ बढ़ेगा। बट आपको ऐसे स्टॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंस रखनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज वो 300-400 पॉइंट बढ़ गया वही एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, बट होल्ड करके जस्ट फॉरगेट इट फॉर सम टाइम, मुझे लगता है कि अच्छे रेट्स, अच्छा रिटर्न 1-2 साल के अंदर भी इसमें मिल सकता है। इस बीच एक बार PNB हाउसिंग फाइनेंस को देख लेते हैं आशीष। PNB हाउसिंग फाइनेंस अब भी करीब 8.5% ऊपर है, 968 का लेवल है, क्या सलाह होगी आपकी यहाँ पर? एक जिन इन्वेस्टर्स को ये IPO में स्टॉक अलॉट हुआ है, इनफैक्ट उनके लिए तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन स्टॉक में ऑलरेडी आ गया है, और मेरा मानना है कि हर स्टॉक का अपना एक प्राइस लिमिट होता है, और मुझे नहीं लगता है स्टॉक 1,000 रुपये से ज़्यादा एक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। जरूर शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में हमने देखा कि फंड्स की तरफ से भी इस स्टॉक में थोड़ा सा बाइंग हुआ है, बट यदि कंपेरिजन अब इसका शुरू करेंगे हम केनफिन होम से, जिसमें पीक से अपने ऑलमोस्ट 150 रुपये करेक्शन आया है, इंडिया बुल हाउसिंग से, तो अभी ये स्टॉक महंगा है। दूसरा, PNB हाउसिंग एक कंपनी है जो प्योर रिटेल प्ले नहीं है, ये काफ़ी सारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन NCR में है, तो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिस्क है। जरूर उनको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, बट जो लिक्विडिटी रिस्क PNB हाउसिंग फेस कर रहेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो शायद रिस्क दूसरों कंपनियों को नहीं है, तो मुझे लगता है कि 1,000 रुपये के पास ये स्टॉक फुली प्राइज होगा, और इसमें से एक बार मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। ठीक है, इस बीच फटाफट से कुछ एक डेरिवेटिव्स का डाटा भी देख लेते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में आखिरकार क्या हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी समझ लेते हैं कि इस समय ऑप्शन ट्रेड क्या दिखा रहा है।
अगर आप निफ्टी को देख लें, बैंक माफ कीजिए फ्यूचर्स को देखें पहले निफ्टी के, तो आपको ट्रेंड जो दिखेगा वो फ्रेश बाइंग का दिखेगा, कुछ हद तक बाइंग है, लेकिन ये बाइंग कन्विक्शन कन्विक्शन के साथ नहीं है, जो कन्विक्शन होनी चाहिए एक ठीक इवेंट से पहले कि बाजार इसको डाइजेस्ट कर लेता है, ये डाइजेशन नहीं है, इसलिए बाइंग है। लेकिन बाइंग के अंदर प्रीमियम एक अच्छी चीज़ है, यही हमने आपको एक घंटे पहले बताया कि जो 30 पॉइंट का प्रीमियम है ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेडर्स काफ़ी हद तक अब धीरे 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 एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को कि शायद बाजार तेज गिरावट नहीं दे, लेकिन ये बहुत ही अभी जल्दी आंकड़ा है, लेकिन बाजार क्लोज होने से पहले कुछ इंडिकेशन जो देना चाहता है वो प्रीमियम के साथ दे रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी इसके मुकाबले देखेंगे तो यहां पर भी आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन इसका भी बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है, तो दोनों के अंदर कमजोर बिल्डअप। और साथ ही अगर ऑप्शंस डाटा के हिसाब से देखें तो 8600 और 8400 शायद 3:30 बजे तक इस रेंज में से किसी को भी ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन रेंज ब्रेकआउट कल के पोस्ट इवेंट होगा, क्योंकि जैसे ही बाजार इस वोटिंग के बाद उतरेगा या तो 8600 के ऊपर खोलेगा जैसे ही पोल आते जाएंगे एग्जिट के, या तो 8400 को तोड़ के खोलेगा, तो इन दोनों इवेंट टिल 3:30 तक आपको 8400 8600 ही दिखेगा, लेकिन कल का सेशन या तो 8600 के ऊपर या तो 8400 के नीचे, इसके लिए आपको ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। और कहां तक डिप जाएगा एक बार ये आशु से समझते हैं। आशु, ये रेंज तो बिल्कुल तय है जो अभी तक हमको समझ में आ रही है, चाहे डाटा या डेरिवेटिव पोजीशंस देखें। आपका ये सवाल था कि गिरावट और कितनी, कुछ कैलकुलेशंस आपने भी किए होंगे, अगर 8400 टूट जाएगा तो कितना डीप चला जाएगा और 8600 टूट जाएगा तो कितना और ऊपर आ जाएगा। नहीं, वेरी डिफिकल्ट कॉल, बट जैसे मैंने बोला कि हम दोनों बियर स्प्रेड और बोरल स्प्रेड की ऑप्शन से जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो बिल्कुल आपने बोला 150 पॉइंट की रेंज टूट सकती है, तो अगर हम 8500 की एक पुट प्लस करते हैं और 83 की 1:1.5 बेचते हैं, ऐसे ही अगर हम 86 की कॉल प्लस करते हैं और 88 की दो कॉल बेचते हैं, दूसरी साइड पे डबल बेचते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अपसाइड मुझे लगता है पैक्ड है, डाउनसाइड फिर भी ओपन है। तो आई थिंक इस स्ट्रैटेजी के साथ बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड दोनों बना के एक कल की स्ट्रैटेजी को जरूर प्ले किया जा सकता है। बट यस, एज आई सेड के पॉजिटिव न्यूज में अगर ब्रेकआउट होगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं हो सकता, ब्रेक डाउन कुड बी मोर देन दी ब्रेकआउट, सो आई थिंक फियर ऑन द लोअर साइड इज मच हायर इफ ट्रम्प कम्स। उसके बाद आई थिंक फिर सेम्बलेंस मार्केट में आएगी, वापस रिव्यू होगा किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, बट आई थिंक चांसेस जैसे मैंने बोला 75% क्लिंटन के हैं, 25% बट ब्रेकआउट होने के चांसेस रिवर्स में, अगर नीचे जाता है तो 75% नीचे ज़्यादा जाएगा, 25% ऊपर पैक्ड है, अपसाइड जो है वो बेसिकली कैप हो रहा है बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है डिम्पी कि अब देखिए, अगर वाकई कोई बड़ा अपसेट हुआ और ट्रंप वाकई जीते तो वो बात अलग है, बाकी एक जो मार्केट का एक जो इनहेरेंट स्पिरिट होता है ना, आप किसी भी बड़े उससे बात कीजिए या फिर जो जिन जानकारों से हमने भी बात की, वो सब यही कह रहे हैं कि इवेंचुअली इट कम्स बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। जब ओबामा भी पहली बार चुने गए थे और इवन दूसरी बार, तो उन्होंने जो बातें कही थी वो सबको पता था कि उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, वो भी इसी पक्ष में थे कि यूएस में जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हों, वो यूएस में रहे, आउटसोर्सिंग कम हो वगैरह, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आप बिजनेस कंट्रोल कर नहीं सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी कंपनी वो अपने तरह से अपने फायदे के लिए पॉलिसी बनाती है। कई बार होता है ना कि इलेक्शन से पहले, यानी कि प्री इलेक्शन जो एजेंडा होता है और जो पोस्ट इलेक्शन जब आप काम करने के लिए उतरते हैं, तो उसमें आपको जो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस होते हैं वो शायद आपको मजबूर कर देते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क को थोड़ा फ्लेक्सीबल कर दिया जाए। शायद ये हो सकता है आईटी और फार्मा को लेकर हो, फार्मा सेकेंड लाइन था लेकिन ये रिएक्शन ज़्यादा दे रहा है क्योंकि इसके लिए कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आईटी का जो रुझान है अभी तक का हमने देखा पिछले 2-3 दिन में, शायद ये काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी इंडियन आईटी कंपनीज की ज़रूरत है। और ये बात कई एक्सपर्ट से हमको समझ में आया कि अमेरिका के बाद अगर किसी देश में अमेरिकन कंपनीज के ऑफिसेज हैं वो इंडिया में ही हैं, और बिजनेस चाइना और इंडिया के मुकाबले अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी देखेंगे तो शायद इंडिया में ज़्यादा आ जाएगा। या फार्मा कंपनी का जो एक्सपोजर देख पा रहे हैं, ये एक चिंता की वजह है क्योंकि इनकी दवाओं पर कैप और एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है यूएस के अंदर, इसलिए चिंता ज़्यादा है, लेकिन आईटी अपने ही मॉडल से थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। अब एक चीज़ और है मिहिर, अगर आप देखें इंडियन स्टोरी के अंदर, अगर कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स को छोड़ दें, जो छोटे शेयर्स अभी भी अपनी वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी रिच दिख रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि शायद जब भी पोल वोटिंग गिर जाए इंडियन स्टॉक मार्केट, हो सकता है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर आपको एक कोरिलेशन पूरी तरह से दिख जाए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट्स की अपनी वैल्यूएशन और अपनी चीज़ें मैटर करने लगेंगी। फिर आप जीएसटी, आप अच्छे मॉनसून, अच्छे नंबर्स,
ये सभी कहीं ना कहीं काउंट होगा, जो कहीं एब्सेंट हो जाएगा शायद यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। आशु, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? यस बिल्कुल, आई थिंक जो आपकी बात है बिल्कुल लॉजिकल है, और जो मेहन ने ही बोला कि आफ्टर अ पॉइंट वो मॉडरेशन ज़रूर आती है, स्टेटमेंट्स पहले डिफरेंट हो जैसे बात में क्या आती है, एंड डेफिनेटली जो अपने डोमेस्टिक रीजंस हैं और जो बैक टू बेसिक्स वाली बात है वो बिल्कुल उभर के आएगी। सो आई थिंक इट इज़ मोर टू डू विद द इवेंट एंड देन नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि एक्सपायरी करीब आ जाएगी, किस तरह की पोजीशंस कैसे बनी हुई है, तो टेक्निकल रीजंस थोड़े हावी हो जाते हैं मार्केट में, बट ऑल सेड एंड डन आई थिंक आफ्टर दैट व्हाटएवर यू सेइंग इज परफेक्टली, आई मीन इट इज इन लाइन विद द एक्शन वन शुड सजेस्ट। बिल्कुल, चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल क्या है। यूरोप में काफ़ी लिमिटेड दायरे में कारोबार हो रहा है, और यूएस में भी अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स हालांकि नेगेटिव है बट 10-12 अंकों की नेगेटिविटी, सुबह एशिया भी ऑलमोस्ट रेंज में ही था। बिल्कुल रेंज में ही था, लेकिन अब देखिए इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि व्हाई यूएस इलेक्शंस आर डिफरेंट, जैसे खासकर भारत जैसे देश में जब इलेक्शन होता है तो वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आते हैं, कुछ दिनों के बाद काउंटिंग होती है और उसके बाद फैसला आता है। यूएस में होता क्या है कि वोटिंग कट ऑफ होने के साथ ही जो आखिरी वोट डलेगा उसके साथ काउंटिंग भी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हर काउंटी जहां पर और हर स्टेट जहां पर वोटिंग खत्म हो जाती है स्टेट लेवल पे काउंटिंग शुरू हो भी जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि दोनों तरह का डेटा आना शुरू होता है, एक तो ट्रेंड्स आते हैं और दूसरा एग्जिट पोल आते हैं। तो उस वजह से ना मार्केट उस दिन हमेशा काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, बी इट यूएस मार्केट्स आई मीन फ्यूचर्स या फिर बाकी मार्केट्स। तो ये देखना होगा।